राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्वारघाट में बच्चों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक प्रशिक्षण शिविर का साथ बचाव व राहत कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया गया। विद्यालय के बच्चों ने भी इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने में अत्यधिक रुचि दिखाई। कार्यक्रम के बाद विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्रधानाचार्य श्री पवन कुमार ने निरंकारी मंडल की स्वारघाट ब्रांच को समाज कल्याण हेतु उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली उत्कृष्ट सेवाओं के लिए एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया, जिसको संत निरंकारी मंडल की स्थानीय ब्रांच के संयोजक श्री रामकृष्ण जी ने प्राप्त किया। अगर कुछ टीमों में कमी होगी तो हम बाद में देख लेंगे। तो सभी बच्चे आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपदा प्रबंधन का एक विषय लिया जाए, यानी आग के बारे में। जैसे आप सबको पता है कोई भी डिजास्टर हो सकती है, तो आग को कैसे काबू में करना है। ये पिछली बार भी हमें रूपलाल जी ने बहुत विस्तार से बताया था, परंतु इन बातों का जो है लगातार अभ्यास अगर होता रहे, हर साल अभ्यास होता रहे, तभी ये आप लोग कुछ कर पाएंगे। आपके मन में भी इंटरेस्ट पैदा हो, ऐसी रुचि पैदा होना जरूरी है। तो मैं इनका फिर अभिनंदन करता हूँ। और उन्होंने एक स्पेशल आज का दिन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके ऊपर बच्चों को बताने के लिए और कुछ सिखाने के लिए ये निरंकारी सेवा दल स्वारघाट ब्रांच को ये मौका दिया है। पहले भी एक बार आपसे रूबरू हुए हैं, जितना हो सका था उस दिन आपको बताया था, और जो बताया था वो किस किस को याद है वो हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है। मैंने उससे एक दिन बोला था, भाई दोबारा जब कैंप होगा तो आपने अपनी कॉपी और पेन साथ में रखना है, आप भूल जाते हैं। चलो कोई नहीं, जितना बोलेंगे वो याद रखना है और बाद में घर जाके नोट करना है। प्रैक्टिकल बहुत बताया था उस दिन भी। पहले एक बात समझनी है कि आपदा प्रबंधन है क्या। दो शब्द हैं, दोनों को मिलाया गया है, आपदा और प्रबंधन, दोनों को अलग अलग करेंगे आज तभी समझ आएगा। इतनी कमेटियां बनाई गई हैं, आप बच्चों की टीमें बनाई गई हैं, और किसके लिए बनाई गई हैं, आपदा प्रबंधन के लिए। सबसे पहले आपदा को समझेंगे कि आपदा बोलते किसको है। किसी को पता है आपदा क्या होती है, कोई बता सकता है? आपदा प्रबंधन के ऊपर कोई चैप्टर है आपकी बुक में किसी में? तो आपदा की परिभाषा कौन बताएगा, डेफिनेशन बताओ बेटा। परिभाषा नहीं है, ये प्रकार है। देखो क्या बताया था पिछली बार, सबसे पहले क्या करना है, इसके पांव फोल्ड करिए, ऐसे ऐसे, हाँ बिल्कुल नजदीक करिए ऐसे। अब इसके सामने खड़े हो जाइए, अब हाँ ऐसे, अब हाथ को करने से नीचे से, अब उठाओ उसको जोर से ऐसे, अब नहीं नहीं ऐसे नहीं बेटा, सो जाओ फिर बात। अब देखिए होता क्या है, इसने अपने आप तो खड़े होना नहीं है, इसको तो सहारा देके खड़ा करना है, इसने तो आपके ऊपर गिर जाना है, ठीक है ना। देखो उठो ऐसे, पहले लेट जाओ बेटा, पहले इसकी लत्तों जो पांव है ना इसको बिल्कुल यहाँ कर लिया ऐसे इकट्ठे, और उसके बाद इसको थोड़ा सा दबाना नहीं ताकि इसके पांव घायल हो जाए, ये भी नहीं करना ऐसे, दोनों पहले हाथ पकड़े नीचे होते हैं, फिर यहाँ से एकदम ना इस इसमें जोर नहीं लगाना, जरा आपने खुद उठाना है इसको, पकड़ना है इसको यार, ठीक है ना। अब पकड़ लिया, अब छोड़ दो तो गिर जाएगा, अब क्या करना है, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले ये बात यहाँ करना, अब ये बाजू और ये आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपदा प्रबंधन का एक विषय लिया जाए, यानी आग के बारे में। जैसे आप सबको पता है कोई भी डिजास्टर हो सकती है, तो आग को कैसे काबू में करना है।
ये पिछली बार भी हमें रूपलाल जी ने बहुत विस्तार से बताया था, परंतु इन बातों का जो है लगातार अभ्यास अगर होता रहे, हर साल अभ्यास होता रहे, तभी ये आप लोग कुछ कर पाएंगे। आपके मन में भी इंटरेस्ट पैदा हो, ऐसी रुचि पैदा होना ज़रूरी है। तो मैं इनका फिर अभिनंदन करता हूँ और